क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर पेंच वाकई में फंस गया है? क्यों हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बात नहीं बनती दिख रही? क्या हरियाणा विधानसभा का चुनाव अलग लड़ने की तैयारी में आम आदमी पार्टी है या फिर कांग्रेस उससे दूरी बना रही है? आखिर दोनों दलों में बात क्यों नहीं बन रही तब जब चुनाव सिर पर है? हरियाणा में कांग्रेस का खेल आम आदमी पार्टी क्या वाकई में बिगाड़ देगी? ये सारी चर्चाएं इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि हरियाणा में आप कांग्रेस के बीच कोई गठबंधन बनता नहीं दिख रहा है। हरियाणा में आप कांग्रेस के गठबंधन की बात बिगड़ती नजर आ रही है। ये दोनों ही दल अलग अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसी चर्चा हो रही है। आपको ये भी बताते हैं कि आखिर गठबंधन में कहां और कैसे बात बिगड़ी है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जो कि मजबूती के साथ दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ते दिखाई पड़े थे, उनको दिल्ली से सटे हरियाणा में दिक्कत कहां आ रही है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन नहीं होने के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। सीटों को लेकर अब तक दोनों दलों में सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी हरियाणा के 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी तेज कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी का यह दावा है कि वो हरियाणा के सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। चुनाव से पहले पार्टी के लिए बड़े नेताओं ने हरियाणा में बड़े स्तर पर रैली की है। इन रैलियों को देखते हुए आप कांग्रेस से ज्यादा सीटें मांग रही है, ऐसी चर्चा है। पार्टी सूत्रों का यह दावा है कि 50 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची भी बहुत जल्द जारी हो सकती है। पार्टी लंबे समय से संगठन को हरियाणा में मजबूत कर रही है। इसे देखते हुए पार्टी ने कांग्रेस से 10 सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस इतनी सीटें देने को तैयार नहीं हुई। कांग्रेस 5 से 7 सीटें देने की पेशकश कर रही है, इसी पर बात नहीं बन रही है। सीटों की संख्या के लिहाज से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है। आपको यह भी बता दें कि बीते कुछ दिनों से हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होने की खबर भी चल रही है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक इस गठबंधन को लेकर कांग्रेस राज्य इकाई में रोष व्याप्त है। कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि इस चुनाव में पार्टी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी। पार्टी के इंटरनल सर्वे में भी यह बात सामने आ चुकी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का मतलब कांग्रेस के हाई कॉन्फिडेंस को डगमगाना है। प्रदेश की सभी 90 सीटों पर कांग्रेस के पास मजबूत उम्मीदवार है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होता है तो पार्टी को कई सीटों पर बीजेपी जैसी बगावत का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश इकाई से जुड़े सूत्रों का यह कहना है कि दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ इस पर विचार विमर्श जारी है, आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया जाए या नहीं। हालांकि कांग्रेस हाईकमान द्वारा जब इस संबंध में प्रदेश इकाई के नेताओं से पूछा गया तो सभी ने एक सुर में कहा कि आपसे गठबंधन नहीं करना चाहिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 10 में से आम आदमी पार्टी को 1 सीट दी थी। उस सीट पर आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल हरियाणा विधानसभा में आम आदमी पार्टी खाता नहीं खोल पाई थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी का प्रयास यह है कि इस चुनाव में अगर उसे 5 से 10 सीटें मिल जाती हैं तो वो अच्छा कर सकेगी। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यह मानना है कि उसे आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए, इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। कांग्रेस के जिन नेताओं की सीट पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार उतारे जाएंगे आम आदमी पार्टी के, वहां बगावत संभव है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 43% वोट मिले थे जबकि बीजेपी के खाते में 40% वोट गए थे। प्रदेश की राजनीतिक जानकार, जो प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए रखते हैं, उनका कहना है कि आज कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है। गठबंधन की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। अगर गठबंधन की घोषणा होती है तो देखने वाली बात यह होगी कि आम आदमी पार्टी को सीटें कौन सी दी जाती है। प्रदेश के लोग कांग्रेस की स्थिति से अवगत हैं। ऐसे में ये अलायंस, ये गठबंधन कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। 5 साल से चुनाव की तैयारी में जुटे वो नेता बगावत कर सकते हैं जिनके टिकट कटेगी। अगर कोई ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस कमजोर है तो उसे आम आदमी पार्टी को दे दिया जाए तो वाकई में उससे नुकसान नहीं होगा, ऐसा भी पार्टी नेताओं का मानना है, खासतौर से हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का। यदि आम आदमी पार्टी ऐसी सीट मांग रही है जहां पर कांग्रेस पार्टी कड़ी टक्कर देने की स्थिति में है तो वहां बगावत संभव है। इसका नुकसान पूरा कांग्रेस के खाते में जाएगा। कांग्रेस पार्टी के एक नेता यह भी कहते हैं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, उनका कोई भी विधायक नहीं है। अगर कांग्रेस से गठबंधन करके आम आदमी पार्टी 2-4 सीटें ले भी लेती है तो उससे एक बड़ी जीत हो सकती है। दूसरी ओर इस गठबंधन से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हो रहा है। कांग्रेस अब तक हरियाणा में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ती आई है, आज तक उसने कोई गठबंधन नहीं किया। हालांकि इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन के तहत साथ लड़ा था, आपको हमने शुरुआत में बताया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट दी गई थी, लेकिन आम आदमी पार्टी
के जो हरियाणा के अध्यक्ष थे सुशील गुप्ता, वो बीजेपी के नवीन जिंदल से हार गए। हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ कांग्रेस को भी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। टिकट बंटवारे पर अपने ही नेताओं का कांग्रेस विरोध झेल रही है, ऐसी चर्चा है। पहली लिस्ट आई है, लेकिन उसके बाद से गठबंधन पर जो चर्चा चल रही है वो ये बताता है कि सब कुछ इतना सामान्य नहीं है जितना दिख रहा है। अगर आम आदमी पार्टी को टिकट दिया जाता है, जबकि वो 10 सीटों के आसपास मांग रही है और कांग्रेस 5 से 6 सीटें उसे देना चाहती है, तब आप समझिए कि अगर वो इस बात पर अड़ गई तो कितनी समस्या यहाँ होगी। और दूसरी चीज, अगर कांग्रेस 10 सीटों पर मान गई तो उसे क्षेत्रीय नेताओं का, छत्रपों का जमकर विरोध देखना पड़ेगा। और जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है कि बागी रुख ज्यादा नजर आने लगेंगे। इसलिए कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना और न करना दोनों ही परेशानी का सबब बना हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।